Hi guys. Hi guys. हाय तो आज हम सबसे पहले वेलकम करें, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं 2 दिन बाद आई हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं चंडीगढ़ गई थी. उसके बाद चंडीगढ़ जाके मैंने 1 दिन व्लॉगिंग पूरा नहीं किया एंड दूसरे दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी. यहाँ पे आके फिर मैं लेट ही रही, मेरी तबीयत खराब हो रही है कारण. बिल्कुल, तबीयत खराब हो रही है कारण जो कि वीडियो नहीं बना पाए. तो वहाँ पे काफी सोच जाके बाद देखा कि आज हम एक नया कुछ वीडियो बनाते हैं, नया भी एंड ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. रिक्वेस्टेड वीडियो है. सो आज हम लोग करने वाले हैं, चलो एक एक उठा लो अपने अपने. वो वाला उठा, वो वाला मेरा ही उठाऊंगा. अच्छा वो वाला पहले से करो. 1 2 3 सर, ये हमारी ट्रॉफी. आज आज हम लोग अपनी क्या करेंगे, आज हम लोग अपनी वेडिंग की एल्बम दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट. बस तो यहाँ से भी हम शूट करेंगे एंड जो यहाँ का पार्ट एल्बम का फोटोज है वो आपको वहाँ से तो दिखेगा नहीं, तो मैंने सोचा कि इस जो नीरज का फोन है उससे मैं यहाँ से कैप्चर करूंगी, सो आपको दिखता भी रहेगा. तो पहले कौन सा दिखाएं, ये वाला दिखाएंगे, घुटने पीछे करो तुम्हारे गोरे गोरे. सो सबसे पहले एंट्रेंस में है हमारी ये नीरज वर्षा एंड ये हमारी उधर की शादी की फोटो है. ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं. सो ये है हमारा फर्स्ट पेज. सो इसमें है, तो इस पे तो आप जानते हो ये 2 कौन है, आपकी वर्षा दीदी और वर्षा जीजू. वर्षा जीजू, वर्षा दीदी और नीरज जीजू. वर्षा जीजू बोला था आपने. नहीं नहीं. अच्छा, सेकंड पेज में है हमारी फोटो. सबसे ज्यादा हाईलाइट हम ही होंगे, है ना, क्योंकि ये दुल्हन दुल्हन हम ही थे. ये है हमारी सेकंड पेज. इसमें देखो नीरज ऐसे देख रहा है जैसे कि मतलब उनके सामने एक हूर की परी आ गई हो. हूर की परी आ गई और मेरे जवान में कुछ मेरे लव्स कुछ है ही नहीं. सो नेक्स्ट पेज में हमारे ये अच्छी है ना फोटो भी. ये हूँ मैं. ये वाला पोज जो होता है ना ऐसे घूमने वाला, तो वाला पोज ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट फिर इस बार मैंने अपनी शादी में खिंचवा ही लिया. सो नेक्स्ट है ये फोटो. ये तो बहुत प्यारी आई है. इसमें देखो ना एक दूसरे को टेढ़े आंख से देख रहे है ना. इसमें तो मैं इतना फेक हंसी हूँ. तो लास्ट की फोटो है ना ये, पूरा थक गए थे यार. हाँ, थक गए जब खुद मम्मी आए थे बुलाने. हाँ, कि अब हो गया, अब चलो 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 बोल के मम्मी ने अच्छे से फोटो क्लिक भी नहीं करने दिया, क्योंकि हमारा वो शादी का जो रसम वो होता है ना टाइम, उसका टाइम निकल रहा था मुहूर्त का टाइम, तो इसलिए हमने ज्यादा फोटो भी नहीं क्लिक कर पाए. इसमें तो पूरे लग रखे कि हम पूरे खतरनाक वाले थके हैं. कितना पूरा अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल होके फोटो खिंचा रही हूँ इसमें. पर ये शेरवानी भी मस्त लग रही थी. जब ये शेरवानी लेते टाइम ना नीरज हम लोग सब साथ में गए थे, दिल्ली में लिया था हमने. ओ माय गॉड, इतना तो मैंने अपने लहंगे रिसेप्शन के लहंगे में भी टाइम नहीं लगाया जितना नीरज ने अपने शेरवानी लेने का. मैं शेरवानी ले लेता लेकिन क्या है कि मेरी चॉइस नहीं थी उसमें, मेरी चॉइस से ज्यादा तीनों की चॉइस ज्यादा आ रही थी. ये भी लेना है, वो भी लेना है. नीरज को क्या था, सस्ता भी हो अच्छा भी हो, और हमें था कि जैसा भी हो बट अच्छा हो. नीरज को था एक ही टाइम पहनना है तो थोड़ा सस्ता होना चाहिए. कोई नहीं, जो चीज अब है सामने अच्छी लग रही है. अच्छा ये है मेरी सिंगल फोटो. तो मैंने फर्स्ट टाइम लेंस पहना था अपनी शादी में, जिसने शादी वाला व्लॉग देखा उसको पता होगा. तो जब मैं फर्स्ट टाइम लेंस पहन के आई थी तो क्या लग रहा था आपको? वही मैंने जब दूर से ऐसे देख रहा था तो लग रहा था कि कुछ चेंज तो है. हाँ. क्योंकि ये तो पूरे लुक वाइज तो पूरा चेंज होती है उस टाइम एज अ ब्राइड, लेकिन जब आंख जिस पास आके देखी ना मैं एकदम से, अरे ये क्या किया रहे, क्योंकि मुझे बताया भी नहीं था कि मैं क्या बोलते हैं लेंस यूज करूंगी. वो नई चीज थी, वो थोड़ी ना बताते हैं, वो तो क्या बोलते हैं उसी वक्त अच्छा एकदम सरप्राइज देना चाहिए ना. कैसा सरप्राइज है यार, उस पे नई चीज. अरे मेरे को भी खुद ही नहीं पता था. जब मैं रेडी होने के लिए गई तो मेरे को डायरेक्ट लगा दिया था. नहीं नहीं अच्छी चीज थी, अच्छा लगा था, अच्छी लगी थी ना. अच्छा था. तो ये है हमारी ब्लैक एंड, मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है. तभी तो उसने डाली एडिटिंग करके. वाओ अच्छा.
ये भी अच्छी है, ये भी ठीक, ये भी अच्छी है। तो ये है हमारी, ये सिर्फ हमारी है, मतलब कि कोई इसमें तीसरा थर्ड पर्सन नहीं है, कोई रिलेटिव्स वगैरह। अभी आएंगे रिलेटिव वाले भी आएंगे। ओहो, ये जो एल्बम है ये नीरज के साइड का एल्बम है, हमारी साइड का भी आया नहीं है, तो इसमें आपको नीरज के साइड का हल्दी मेहंदी के सब फोटोज दिखेंगे इसमें। अब इसमें सारे चीज नीरज बताएंगे कि कौन कौन है, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैं किसी किसी को जानती हूँ बहुत कम को, सबको मतलब सबको सब जो जो मेन है आपको बताओ। ठीक है, ये है नीरज की सगी दीदी। सो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे नीरज से छोटे हैं या नीरज से बड़े हैं, तो ये नीरज से बड़े हैं, फिर नीरज छोटे हैं। सो ये नीरज की दीदी है, ये नीरज की बुआ है, और ये इनकी बेटी है, एंड ये चाचा की, ये चाचा की लड़की है, एंड ये मासी की लड़की। ये है हल्दी की, नीरज की हल्दी की फोटो। आपको पता ही होगा, वन ऑफ मोस्ट फेमस पर्सन इन माय ब्लॉग। मेरी शादी की बात बहुत ही जो चर्चा पे आए, मेरी सासू माँ नीरज की मम्मी, नीरज की मम्मी, और ये है नीरज की चाची, और ये है नीरज के क्या लगेगी, ये मेरे मामा जी के बेटे की बेटी, मामा भी दिखाएंगे अभी, मामी जी, नीरज की मामी जी, ये है नीरज के मामा, मामा जी। मतलब ये जो है ये मेरे सासू माँ के भाई है, ये इनकी फाइव सबसे बड़े भाई। हाँ, जो मामा एंड मामी है ये इनके बेटे हैं, और ये इनकी बहू है, बहू जो उनकी जो बेटी दिखाई थी ना मैंने, हाँ, पहले, हाँ, वो है इनकी बेटी। ओके, हाँ, ये भी मामा मामी जी बड़े सगे की तो नहीं, मतलब रिलेटिव वाले, ये रिलेटिव वाले मामा मामी है, सबसे बड़े मतलब। और ये है फैमिली पैक, फैमिली पैक। ये है दीदी, पापा, मम्मी, उस ये सबके साथ में बड़ी बड़ी फोटो। तो नेक्स्ट है हमारी चाची और उनके दो प्यारे बच्चे, दादी है, बुआ, इसमें सब है। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर तो ये वीडियो तो मूवी बन जाएगी, तो इसलिए बस आपको और कुछ नहीं, बस इसे पहचान लीजिए ये कौन है, बहुत है इसे पहचान। ये हैंडसम हीरो। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी आ रही है? कहीं नहीं आ रही है। स्मार्ट लग रहे बट ये चश्मा मिल गया आपका, गुम हो गया था? मिल तो गया है। ओ हाँ, पहन के तो गए थे आप। ये है फिर हमारी मेरी मम्मी की बहनों में से सबसे बड़ी बहन, मम्मी की बहने, हाँ, सबसे बड़ी, फिर मम्मी, फिर मासी और मैं दिखाऊंगा, सगी बहन है सबसे बड़ी बहन, फिर मम्मी, पंजाब में रहते हैं। अच्छा, मम्मी की दीदी है, हाँ, सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये तो जैसे आप जानते होंगे, कोई नहीं जानता किसको, इनको, इनको, हाँ। ले तो बंद करो फिर भी, क्या बना रहे। ये एक और फैमिली फोटो आ गई, ये माँ और बेटा, हैंडसम बेटा, ब्यूटीफुल माँ भी है तेरे, दीदी तो की सुंदर लग रहे हैं, है ना? दीदी की फोटो बहुत मस्त आई है, हल्दी वाली। और ये तो फैमिली फोटो, ये मामा मामी, मामा मामी जो बताया था हमने, ये सिस्टर्स हैं इनकी, और ये तो वन, और ये उनके भाई नीरज, इनकी शादी, ये है मेरा सोने का सेट जो नीरज की तरफ से आने होते हैं, सोने का सेट जो पूरा लूट के ले गई वर्षा। कितने बदतमीज लूटा दिया। ये सेट था मेरा, ये था कान का इयररिंग था, ये जो भी सेट था हमारी तरफ से, हाँ, ये नीरज की तरफ से था, ये मंगलसूत्र से कड़ा था, ये छड़के तिलेर जो नेपाली का होता है, ये मांग टिक का, ये एंगेजमेंट के रिंग, ये रिंग मेघा के लिए थी, मेघा के लिए,
और बस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना गोल्ड का सेट का भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बताना, मेरे को कमेंट आएगा। व्हाट द हेल, ये टाइम पास, ये क्यों खिंचाया ऐसे, ये क्या है, देखने दो, बिल्कुल देखो देखो, है तो स्मार्ट भाई, मेरा पति कुछ भी बोलो स्मार्ट है, स्माइल दिख रहा है, स्माइल दिख रहा है गाइस। सो ये है वो क्या बोलते हैं, संगीत नाइट, तो उसका ये है डेकोरेशन, तो उसका डेकोरेशन का पिक्चर्स है। ये हमारा ब्यूटीफुल हाउस, जिसका हाउस टूर लोग मांग रहे हैं, वो भी हम देंगे, ठीक है। ये है मम्मी की बहन, बड़ी बहन है, ये भी बहन है, इनका नाम भी वर्षा है। एंड ये डांस करते हुए पार्टी चल रही है दीदी, और हमारे घर की सबसे छोटी एंड सबसे प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची मेरी तरह, बच्ची नहीं अब तो प्यारी तो आंटी हो गई है। ओ प्लीज आई, और ये तो जो मेहमान वगैरह आए थे, ये तो मेहमान वगैरह जो भी, ये है पापा की सगी बहन, हाँ मतलब मेरे जो ससुर हैं उनकी सगी बहनें हैं ये दोनों, है ना, मतलब मेरी बुआ, आपकी भी बुआ लगी, मतलब नीरज की बुआ, सबसे बड़ी, उनसे छोटी, फिर उनकी बेटी। अच्छा अब हो रही है सिस्टर की फोटो शूट, मतलब शादी हो रही है, भाई की मजे ले रही है, बहने फोटो खिंचा गया। ये भी सही है, इस दिन था हमारे भैया का जन्मदिन, हाँ जो मतलब ये भैया थे इनका बर्थडे था, तो उनके लिए केक मंगाया था। ये पापा, ये क्या था, ये वही तो है मामा स्वागत, हाँ सो हो गया था पूजा वगैरह उस दिन का। अब एक फोटो जो आने वाली है जी, नेपाल की रानी, घर की महारानी। और ये फिर मामा का मतलब रसम है, अभी रसम तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओह ये ब्यूटीफुल कपल, ब्यूटीफुल कपल्स। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब इसमें भी ये मम्मी पापा का ही है। ओहो ये है नीरज की पूरे ड्रेस की, शादी की ड्रेस की फोटो, फोटो। ये जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, जो ये धागा होता है रेड कलर का, सो ये सब कुछ मतलब पांच औरतें बांधती है। एंड जब मैं शादी करके यहाँ पे आऊंगी तो फिर मेरे को ये गांठ जो होता है ये खोलना पड़ता है, और नहीं खोला था, और फिर और मेरे में भी बंधा होता है जो कि इनको खोलना होता है, मैंने खोल दिया था। ओ हाँ बता रही हूँ, इन्होंने खोल दिया था, मैंने नहीं खोला था, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन करवाया था तो मेरे नेल्स के कारण नहीं हो पा रहा था वो, इसलिए अगर मेरा नेल्स नहीं होता ना मैं इजीली खोल देती, क्योंकि इनका बहुत ढीला बांधा था और जो मेरा था वो बहुत टाइट बांधा था, पर फिर भी इन्होंने खोल दिया, प्राउड ऑफ। तो नेक्स्ट, बेचारी मम्मी चाह रही है कि मैं उसको किस करूँ नीरज को, बट नीरज चाह रही है कि मम्मी किस ना करे, पर फिर भी मम्मी सोची चलो कर देती हूँ, बट मम्मी ने करते करते डर गई, तब जाके ऐसी फोटो आई है। नहीं कर दिया था, लेकिन फोटोग्राफ ने क्या किया, कुछ ज्यादा ही पहले खींच दिया शायद। अच्छा अब तो आती है एंट्री, राजकुमार की एंट्री, कुछ ही ना अपनी तारीफ तो करनी है यार, आज की दिक्कत है, उसके बाद कौन करते हैं। ये अब स्टार्ट हो गया नीरज का मतलब घर से बारात लेके निकलने का टाइम है ना, सो इसमें ये दो बहनें हैं, ये मतलब नीरज की जो क्या बोलते हैं मौसी, नीरज की जो मौसी है उनकी बेटी है, एक ये मौसी की बेटी है, दूसरी मौसी की बेटी है, एंड ये भी मौसी, ये भी सगे चाचा की बेटी, सगे चाचा की बेटी है। और ये नीरज नीरज है एकदम मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए कि मैं वर्षा को लेने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ एकदम, बिल्कुल इतनी खुशी है कि बस पूछो मत। वही तो, आपने नोटिस किया को हल्दी मेहंदी के फोटो में इतना अच्छा स्माइल नहीं कर रहे थे, बट अब बारात के टाइम में इतना खुल के स्माइल कर रहे हैं ताकि इनको पता है ना कि मैं वर्षा के पास जा रहा हूँ। ये कितना मासूम सा बच्चा, इस मासूम से बच्चे की तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे मत बोलो यार, बदतम कितने वो यार, आपने कैसे बोला ना। बना दी, ये कोई बोलता है कर दी बर्बाद। वन एंड ओनली मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है,
सो जिन इनका ये लहंगा और जो मैंने रिसेप्शन में मेहरून कलर का लहंगा पहना था, हम दोनों ने साथ में लिया था, साथ में लिया था। एंड ये बहनों का सबका फोटोशूट, ये फैमिली फोटो, फैमिली फैमिली, ये मम्मी पापा की फोटो, ये दूल्हे राजा पापा की फोटो, ये मम्मी इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि मम्मी इसलिए साड़ी सूट नहीं पहना क्योंकि मम्मी रात में नहीं जाना था, मम्मी ने इधर ही रुकना था इसलिए। और ये फिर हमारे बारात में जाने वाले बराती, और यहाँ से अब जाने के लिए जो ऐसे लगाते हैं सहरा, और क्या बोलते हैं पैसों का माला लगता है जो है ना वो, ये देखिए लग भी गया, ये लोगो पैसे के माले लग गए, कितना अमीर था मैं उस दिन, पैसों की मालाएं लग रही थी, कहाँ है वो माला, वो माला तो उसने पता है पापा टीवी देखते थे, दो दिन लगे पापा को, पूरे पैसे निकाले पापा ने। अच्छा अब ये बैंड बाजा वाले आ गए जो कि बारात निकालेंगे, जाने वाले भी आ चुके थे, मेरा पूरी तरीके से बैंड बज चुका था, बजने वाला था। यहाँ पे बारात निकलते हुए, ओहो बैंड बाजा का आनंद लेते हुए बाराती, यहाँ पे बाराती डांस करते हुए नाचते हुए अपनी बहुरानी को लेने जा रहे हैं, यहाँ पे भी डांस करते हुए, ये जो कार इन लोग ने सजा के लेके आए थे मेरे को लेने के लिए। अब ये स्टार्ट होता है हमारी, ये स्टार्ट होता है उधर का दूल्हा दुल्हन की फोटो, फोटो आ चुकी है, ये मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी मेरे को भी नहीं पता। अरे ये तेरे हाथ में मेरा हाथ है, बस बस हम झुक के फिनिश। तो जो हमारी ये फर्स्ट एल्बम थी इसकी फोटो खत्म होती है, अब हमारा दूसरा एल्बम बसता है, हम उसका भी फोटो दिखा देंगे जल्दी। मेरे को लगता है ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बट फिर भी आप लोग देखना क्योंकि आप लोग मांग रहे थे मेरे से, तो मैंने सोचा चलो दिखा देते। बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है, जो है रिसेप्शन की फोटो है, रिसेप्शन की जो की स्टार्टिंग में, वाह ये फोटो एल्बम बहुत ही मस्त बनाया ना। एंड इधर है वेडिंग सेरेमनी, नीडर ज्वेट्स वर्सा, डेट भी है 2/12/2022। यस लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले आती है ये, ये मतलब काफी सारे लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया था कि आप शादी से ज्यादा रिसेप्शन में अच्छे लग रहे थे, सो ये रिसेप्शन का लहंगा लेने के लिए मैंने कितना लहंगा देखा था ना, बहुत लहंगा, इतने लहंगे पसंद ही नहीं आ रहे, दिल्ली के चांदनी चौक वाले इलाके में लहंगे नहीं पसंद आए। वो ब्लॉग आपने देखा ही होगा, मैं मम्मी लोग के साथ गई थी रिसेप्शन का लहंगा सिलेक्ट करने के लिए, तो माय गॉड, बट फिर भी मैंने फाइनली इतनी मुश्किल से ये लहंगा सिलेक्ट किया और इसमें मैं बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी है ना, व्यूज वगैरह तो आप मुझे देखते हैं रिसेप्शन में, हां वो तो मैं बुलाया उठाया था, दो चार छींटे मारे पानी के, उठो उठो। सबसे पहली फोटो ये है एंड मेरी सिंगल फोटो, इसमें मेकअप भी बहुत ही अच्छा किया है एंड ये फोटो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है ना। तो आप लोग मुझे बताना जो हम लोग का शादी का वो था ना फोटो जिसमें मैंने रेड कलर का लहंगा, इन्होंने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी है एंड ये जो रिसेप्शन का ड्रेस है जिसमें मैं मैरून कलर का लहंगा और इन्होंने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना है, इन दोनों में से कौन से फंक्शन का मतलब शादी का या रिसेप्शन का हम फोटो फ्रेम बनाए यहाँ पे लगाने के लिए, मतलब है ना मतलब शादी का बनाए या रिसेप्शन का, मैं कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सा बनाऊँ। तो ये है मेरा सिंगल फोटो, इतनी मस्त फोटो खींची है ना कैमरा वाले ने, कैमरा वाले तो आपकी बहुत अच्छी फोटो आ रही है, आप और पोज दो और पोज दो, इनको तो पूछ ही नहीं रहे थे, मेरे को ही पूछ रहे थे कैमरे वाले। फिर नेक्स्ट है ये मेरी फोटो भी अच्छी है ना, और ये देखो महारानी टाइप एकदम होता है ना, महारानी और पीछे राजा, तो साहब आप देख सकते हो इस पे एक होता है नेचुरल पोजेस, हाँ। कि जो एक नेचुरल जैसे मैं, हाँ। एक होता है कोई बनावटी बना बना, यार ये वाला पोज उनको उन्होंने मेरे से क्यों करवाया मेरे को समझ में नहीं आया, हाथ ऐसे रखने वाला ठीक है जो भी, अच्छा इसमें सारी मेरी रिंग्स दिखे इसलिए क्या पता, और वो भी गोल्ड की, मैंने अपने रिसेप्शन में जो भी मेरा पूरा गोल्ड था ना वो पहना था, मेरे को थोड़ी देर के लिए रहता था कैसे फीलिंग आती है, मैं मारता तो नहीं जल्दी। सो नेक्स्ट है ये फोटो, ये जो इन्होंने ये एडिटिंग की है ना ये वाली जो ऐसे मतलब व्हाइट एंड पेपर में ऐसे वाला, तो ये मस्त है,
से ये देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हो, हमको हमारी ही नजर आ जाए। एक ये भी बहुत प्यारी फोटो है मेरी, क्यूट सी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी यार, मैं रिसेप्शन में अच्छी ना दिख रहा हूं बहुत ही। इसमें मैंने पहना था कि नहीं पहना था लेंस ना? वाह, पहना था मैंने इसमें लेंस, ठीक है, पर इसमें थोड़ा लाइट वाला पहना था, वैसा नहीं पहना था। हां लाइट वाला पहना हुआ था वो। सो एक ये, ओए होए, मेरी यहां से मेरा मोटापन निकलता हुआ कि ये बहुत प्यारी यार, ये फोटो भी अच्छी है। ये तो वो ये सेम वो जो इसमें लगाया है, थोड़ा सा कलर इसने वो कर दिया। परफेक्ट कपल, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए, ये फोटो दो बार डाल दिया है ना। आहा दूल्हे राजा बैंड बजा के आजा, सॉरी। ये फोटो भी मस्त है, मुझे एक पल के लिए लगा रहा था ये भी लगाओ, बट ये ऐसे रहेगा, मुझे ऐसे में चाहिए जो फोटो, ऐसे लंबे में हो। तीन बार डाल दिया फोटो है ना, एक बार नीचे देख रही हो, एक बार ऊपर देख रही हो। अच्छा ऐसा है, है। ये भी अच्छी है, ये अच्छी है ब्लैक एंड व्हाइट में। ये एक सिंगल मेरी परी परी परा परी और परा ही, एक और बार आएगी ये फोटो। ये फोटो भी मस्त है, इस पे तो ऐसा लग रहा है आप छोटे में बड़ी, देखो कितनी बड़ी ना लग रही है ना। हाँ थोड़ा वो मेरा उस साइड से फेस कट हो रहा है ना, हाँ इसलिए मेरा पूरा फेस है। ये आ गया फिर से हमारे, यार इन्होंने पता है क्या किया कैमरे वाले ने, क्या बस थोड़ा सा फोटो इधर से उधर कर दिया, मतलब जैसे हल्दी का एक साथ, फिर मेहंदी का, फिर शादी का, फिर रिसेप्शन का, ऐसे होना चाहिए था। रिसेप्शन का देखा, अब डायरेक्ट हमारे पार्ट का आ गया ऐसा, चलो ठीक है। फिर भी ये हमारे उधर का था वेन्यू, डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया किया था। अशोक स्पा एंड रिसॉर्ट, अशोक स्पा एंड रिसॉर्ट में मेरी शादी हुई थी। Yes. जिसको नहीं पता, ये बारात की एंट्री हमारे उधर, पूरे बरातियों डांस करते हुए, ये बरातियों का स्वागत करने के लिए मेरे संजू दाई, मेरे बिट्टू मामा, सागर, एलिशा, कलश, मेघा, वर्षा दी, मेरी फुप्पू, मम्मी, ये बिंदु दी, और ये मेरी बड़ी मम्मी, और भी है मेरे मासी, सब कुछ है यहाँ पे, सबको, सब लोग हैं। और ये अपने जीजू का इंतजार करते हुए ताकि वो जैसी आए और पैसे ले, और यहाँ आलिशा व्लॉग करते हुए, और मेरी मम्मी अपने जुआई को टीका लगाने के लिए थाली से तैयार बैठे हैं। और गाइस हमारी शादी का वो तो बता दो, बैंड बाजा वाला। तो क्या हुआ था, जैसे कि अभी आपने देखा नीरज ने कार के जो वो था उसमें से एंट्री मारी, क्योंकि जो नीरज का बैंड बाजे वाले थे वो हमने देहरादून से बुक किया था, क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाने से अच्छा कि देहरादून से बुक कर लेंगे, वो वहीं पे रिजॉर्ट में पहुँच जाएंगे, वहाँ से बचा के, ऐसा ऐसा सीन था, हमने तो वहीं पे बुक किया था। शादी वाले दिन में बैंड बाजा वाला आया ही नहीं भाई, और हमारा बज गया बैंड बाजा, और हमने बजाना था, अपना बज गया, फोन भी नहीं उठा रहा, कुछ भी फोन भी नहीं उठाया, हमने कॉल किया, हमने मतलब नीरज लोगों ने कॉल किया, पूछा, कोई रिप्लाई नहीं, तो शायद ये भी बोला था कि हम नहीं आएंगे, हाँ हम नहीं आएंगे, सॉरी आप लोग ऐसे ऊपर लेना, वही थोड़ी देर के लिए ऐसा मूड ऑफ हो गया था, वही तो। पर ठीक है, फिर उनके जो मामी और मामी के जो बेटे हैं, मतलब भैया, उन्होंने बोला कि चलो तुम ऐसे नॉर्मल चल के तो नहीं वो करोगे, तुम्हारे लिए हम अच्छा ये कार पे ऐसे करके खड़े, मतलब कार में खड़े होकर तुम ऐसे एंट्री करोगे, तो वही वैसे हुआ था। मतलब ऐसा होता है किसी ना हर शादी में एक ना एक चीज, कुछ चीज प्रॉब्लम हो जाती है, बट हमारे में ये हुई तो फिर ठीक है, स्टार्टिंग में जो होना था हो गया, बीच में कुछ पर बीच में कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए नीरज ने ऐसे एंट्री मारी थी। तो ये दूल्हा अपने बहनों के साथ एंट्री मारने के लिए रेडी, तो ये दीदी है कलश पकड़ के, एंड ये ओहो मेरा भाई एंड मेरे पापा, दोनों रॉकस्टार, बड़ा पोज एकदम खतरनाक। और ये कलश मेगा एंड वर्षा, ये देखो हाय बहुत अच्छी फोटो आई है ना। यहाँ पे हो गई नीरज की एंट्री, दूल्हे राजा फाइनली पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे मम्मी टीका लगा रही है, अभी मेगा टीका लगाएगी, फिर पैसे मांगेंगे, फिर पैसे मिले इनको, फिर इन लोगों ने एंट्री दे दी, फिर मेरे जो भैया है, फिर भैया आकाश और मामा इनको उठा के ताकि स्टेज तक लेकर जाते हैं। उस स्टेज में आते आते जूते भी गायब कर दिए, निकाल दिए कलश ने, कलश जी हमारी
कभी मिलो तो बताऊंगा। मैं ऊपर चढ़ा नहीं, नीचे जूता गायब गायब। फिर यहाँ पे हमारी एंगेजमेंट, क्योंकि हमारी एंगेजमेंट पहले नहीं हुई थी, तो ये था पंडित जी का पूजा, और ये रिंग थी, एंगेजमेंट रिंग जो नीरज के लिए हमने बनाई थी, और मेरा वाला तो आपने देख ही लिया होगा उसमें। और ये देखो, हाय मैं प्यारी सी शर्माती हुई लड़की। इसमें देखे ना ये लेंस, हाँ। कैसा लगा रखा है एकदम बिल्कुल ना। तो ये हमारा केक था, केक अब फिर काटा और हवा की तरह ऐसा उड़ गया, पता ही नहीं चला। जब जब वीडियो देख रहे हैं, जब जब फोटो देख रहे हैं, जब ये केक दिख रहा है ना इनको, केक ये पूछ रहे केक कहाँ गया। हमने कट किया, थोड़ा थोड़ा पीस खाया, उसके बाद केक गायब। कट भी इतनी मुश्किल से किया, लोग कट ही नहीं करने देते। फोटो 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 के चक्कर में कैमरा मैन वाले ने हेल्प करके टेबल इधर उधर करके हमारा केक कटवाया, नहीं तो केक कटना भी नहीं था। तो ये मैंने स्पेशली नीरज, रेड वेलवेट फेवरेट था तो इसलिए बनवाया था, बट नीरज को बेचारा खाने का मौका ही नहीं मिला। बट ठीक है, ये एक शो के लिए था, बट इसके बहुत पैसे लगे थे। मेरे को उस चीज का दुख है कि पैसे बहुत लगे थे और कोई खा नहीं पाया था। क्यों, उन्होंने नहीं दिया था? नहीं, हमने बनवाया था। ये सगन का थाली देते हुए, सो ये हमारे एंगेजमेंट रिंग का वो है, प्लेट है, प्लेट क्या बोलते हैं इसको, जो भी जो। ये नीरज की है, ये मेरी रिंग है, तो इधर से पास से दिखेगा। ये है मतलब नीरज की तरफ से था, ये हमारी तरफ से था, जो कि ये है लेजेंड, और ये है यस। और ये रिंग पहनाते हुए की फोटो है हमारी, ये फोटो बड़ी मस्त है। ये आकाश व्लॉग बना रहा था, उसके व्लॉग में हम अपना रिंग शो कर रहे थे। अब यहाँ होती है दुल्हन की एंट्री, वो भी भाइयों के साथ। ये देखो मेरा लेंस लेंस। और ये नीरज मेरे को स्टेज में बुलाते हुए लेके आते हुए, लेके जाते हुए प्यारा सा। फिर यहाँ पे हमारे स्टेज में एंट्री होके बैठते हुए ये प्यारा सा हाथ। एक तो एक पल के लिए मेरे को लग रहा था ये फोटो बना लेते, पर इसमें मैं स्माइल नहीं कर रही। कोई बात नहीं। सो ये फोटो के बाद अभी मेरे भाई और मेरी बहन वरमाला का प्लेट लेके आते हुए, फिर ये लोग हम यहाँ पे कॉमेडी कर रहे थे हंसते हुए। फिर नीरज मेरे को यहाँ पे माला पहना रहे थे, तो ये देख सकते आप इतनी खुश हो रही है नीरज को, इतनी मतलब खुशी क्यों हो रही थी आपको? खुशी नहीं, उस टाइम कॉमेडी चल रही थी। क्यों, पता नहीं क्या बोला था, जब मैं पहनाऊंगा तब झुकना। हाँ, तो हम झुक जाए और यहाँ से खड़े रहे। ओ भाई, मैं भी झुक जाती अपने में। तो कहाँ झुके फिर, झुके तो मैं झुक जाती, आपने झुकते तो आपको भी बोलना चाहिए था झुको। गाइस अभी फिल्म हमारी लड़ाई हो जाएगी, मैं पूरा एल्बम नहीं दिखाऊंगी गाइस। तो ये देखो फाइनल नीरज ने पहना दिया, ये मैं पहन के खुश। अब मेरी बारी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने सोचा कि मैं इनको बोलूंगी कि झुको, फिर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ झुको नहीं, पूरा घुटने के बल झुको। तो घुटने की यार एक मूवमेंट होता है, क्यूट मूवमेंट यार, उसके लिए बोला था मैंने। पर मैंने यहाँ पे बोला, पर ये माने नहीं, कह रहे क्या मुंह देखो ना क्या। फिर यहाँ पे मैंने चल छोड़ पहना ही देती हूँ, मान नहीं रहा लड़का बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैंने पहना दिया, फिर ये पहना दिया। पर जो मैं ये हंस रही हूँ ना, ये इनको पता था बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन झुका रही हूँ, हंस रही हूँ ना, ये फेक हंसी है मेरी, मेरे को हंसी नहीं आ रही, मेरे को गुस्सा आ रहा था कि आप झुके नहीं, झुकेगा नहीं साला। सी हमारी अब कपल फोटो आ गई है वरमाला के साथ। ये इस टाइम पूरा वरमाला वगैरह लग चुका था। अब यहाँ पे था ये हमारा प्री वेडिंग का वीडियो चल रहा था, तो सबको हमने, तो जो हमारी प्री वेडिंग की वीडियो थी वो मैंने किसी को भी नहीं दिखाई थी, ना नीरज को, किसी को भी नहीं, सिर्फ मैंने देखी थी क्योंकि मैंने एडिटिंग करवाया था। वो वीडियो मैंने किसी को भी नहीं दिखाया था, ताकि मैं शादी वाले दिन डायरेक्ट दिखाऊँ, सबका रिएक्शन कैप्चर हो, तो इसलिए ये सब यहाँ पे खड़े हैं मेरे प्री वेडिंग, हमारी प्री वेडिंग की वीडियो देखने के लिए। सो ये वही केक है जिसकी बात हम कर रहे थे, ये केक कट किया हमने, एक दूसरे को खिलाया, उसके बाद ये केक खो गया गायब, पता ही नहीं चला। तो ये है मेरे मामा, ये मेरी मामी, मतलब मेरे मम्मी के सगे भाई, मतलब सागर जो है उनके पापा मम्मी, और ये मेरे मामा मामी नाना नानी, मतलब मेरे मम्मी के मम्मी पापा और भाई बहन। और ये तो जैसे मैंने बताया सिस्टर्स, जो नीरज के सिस्टर्स है, और ये मैं और नीरज, जैसे कि आपको पता है। और ये है मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अभी हम लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा इनको, मेरी मम्मी की दीदी। और ये मेरे बड़े पापा, यंग के बेटे,
और इनकी जो वाइफ है मतलब मेरी भाभी सपना भाभी, वो शादी में नहीं आ पाए थे क्योंकि उस टाइम वो प्रेग्नेंट थे, तो इसलिए वो नहीं आ पाए थे, तो वो इन फोटो में नहीं है। ये है मेरी बड़ी मम्मी जैसे कहते हैं, ये इनकी बेटी भारती दी, यानी ये इनकी बेटी, ये इनके हस्बैंड मेरे जीजा जी, और ये इनके जिठानी। उस टाइम ये भी प्रेग्नेंट थे, मतलब मेरी दीदी भी प्रेग्नेंट थे, तो दीदी ने बोला था मैं नहीं आऊँगी शादी में, एंड ये अचानक मेरे को सरप्राइज़ दे के हल्दी, जो मेरा हल्दी था उस टाइम आए थे, तो मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था कि सरप्राइज़ दे के आए मेरे लिए, मतलब प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था। सो ये बिट्टू मामा है, ये उनकी मम्मी पापा, उनके दीदी है, और ये उनके हस्बैंड है, और ये मेरे मामा लगते हैं। सो ये फैमिली फ़ोटो, ये मेरी बुआ लगती है। सो ये है वर्षा दी, ये उनके हस्बैंड जिनको आपने व्लॉग में देखा होगा कॉमेडी करते हुए मसूरी में मसूरी में, और ये फुल नेपाल वाली फैमिली, और ये आकाश एंड योगेश पता नहीं इस फोटो में क्यों घुसना चाह रहे थे, पर ठीक है। और ये आकाश की गैंग, आकाश गैंग। योगेश एंड अंशुल, ये तो ठीक है। अब ये नीचे वाली फोटो देखना, ये करना क्या चाह रहे थे आकाश और योगेश, ये स्क्रीनशॉट लेके पक्का आकाश और योगेश को टैग करना। आकाश और हमारी सब मतलब सोलो फोटो, आकाश इतनी कॉमेडी कर रहा था यहाँ पर। ये भी योगेश, अंशुल, ये रहा सागर, ये हमारी फैमिली फोटो, ये हमारी फैमिली फोटो, ये रे। सो मैंने ये जो ड्रेस है ना मम्मी और मेघा का रेड रेड जानबूझ के लिया था ताकि मेरे साथ मैच हो, और पापा और आकाश के लिए मैंने व्हाइट बोला था बट व्हाइट मिला नहीं, पर क्रीम कलर का मिल गया था, तो पापा और आकाश ने क्रीम कलर का कोऑर्डिनेट करके लगाया। और ये मेरे मम्मी पापा के साथ, और ये है मेरी नेपाल की फैमिली। अब आते हैं ये गोद, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गोदुराए, मतलब कि लड़की दान करते हुए जो भी, हाँ लड़की दान करते हुए क्या बोलते हैं रसम। तो इसमें क्या हो रहा था, आकाश जब मेरा पानी पी रहा था ना, मेरे पैर का और नीरज के पैर का पानी, तो पहले देखो हम लोग कितना हंस क्यों रहे इसमें, क्योंकि जब आकाश ने मेरा पैर का पानी पिया ना, उसने बोला एक, और जब नीरज मेरा पिया उसके बेहोश ऐसे हो गया, तब हम लोग हंस रहे थे। कॉमेडी वो है ही, आपको पता है, सच में नहीं कॉमेडी कर रहा था। हाँ, और ये इसमें हम पूरी जान जान से लगा रहे हैं कि हम गांठ बांधे, मतलब कि वो जब सात फेरे के जो होते हैं उस टाइम वो खुले ना, इसलिए गांठ मतलब कि अच्छे से बांधना पड़ता है। सो इसमें ये सब नीरज लोग जो भी ज्वेलरी या कपड़े का है होता है वो सब मेरे को दिया, जो जो ससुराल की तरफ से मिलता है वो पहन के हमको आना होता है, और नीरज को भी जो जो हमने ससुराल की तरफ से दिया होता है वो पहन के आते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, लड़का नहीं पहनता, लड़की पहन के आती है, बट हमने थोड़ा सा चेंज किया था ताकि हम नेपाली ड्रेस पहन सके। सो ये है हमारा नेपाली लुक, नीरज का एंड मेरा, हम बहुत सीरियस बात कर रहे थे। अरे ये वहाँ पे फेरे में सब बैठे थे अच्छे से, और ये फेरे की ऑडियंस, ये प्यारी में मेरे, अभी तो हम बच्चे सुन रहे थे, फिर हमने ये कैसा, फिर फेरे लिए, फिर फेरे लिए, फिर फेरे लिए, मेरे को देखा कितनी स्माइल कर रही है। फिर आकाश यहाँ पे भी हंसा रहा था हमको, और ये भी फेरे लेते हुए, फेरे लेते हुए, फिर ये जो नीरज यहाँ से उठा के हमको, मेरे को इधर शिफ्ट करते हैं ताकि मतलब अब तुम यहाँ से इधर की हो गई वाला टाइप से, ऐसी कुछ है ना, मतलब माइती से ससुराल में एंटर कर, मतलब ऐसे था उतना नहीं किया। पर नीरज मेरे को एक ही बार में उठा नहीं पाए थे, इनको चार क्या तीन चार टाइम लगा था तब तक ऐसे ना हाथ पांव रखे अपने आप को ऐसे नीचे उठा लेते हैं, कोई कोई उठा लेते हैं, तो तुम्हारा एक्चुअल वेट थोड़ा ना है, तो एक्चुअल वेट एक ये हमारा ऐसे सिंदूर का रस्म, और जब ऐसा सिंदूर डाला था ना उस टाइम मेरी ऐसे आंख ऐसे भी थी, मैं फील ले रही थी उस सिंदूर वाला मस्त। फिर इसके बाद ये सिंदूर ढकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे जो मायके वाले होते हैं वो सिंदूर नहीं देख सकते, तो इसमें हम अपने एक दूसरे को मीठा खिलाते हुए, फिर अब नीरज के साइड से जो जो आया था, मतलब ये छड़की तिलहरी ऐसे से लगाना होता है, फिर इस टाइम पे हमारा विदाई के टाइम का पूजा आखिरी वो। अब यहाँ से मेरा हो गया कि अब मैं, अब यहाँ से शुरू हो गया इमोशनल मोमेंट। मैं यहाँ पे फुल कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं रोऊंगी, यहाँ पे आते थे मेरा मुंह बन गया कि मेरे को रोना आ रहा है, यहाँ पे आके मैं रो ही गई, आखिर रो ही गई बेचारी, आखिर यहाँ से गंगा जमुना बह ही गई। ऐसे नहीं बोलते पता है, यहाँ पे भी ये
ये मेरे पापा मेरी मम्मी अब थोड़ा सा ना ये फोटो देख के थोड़ा सा मन ऐसा होता है, बट फिर ठीक है मैं स्ट्रांग हूँ। बल फिर यहाँ पे आती है मेरी एंट्री है ससुराल में। ससुराल की एंट्री जो तुमने फर्स्ट टाइम देखा, अरे ऐसा है मतलब कैसा क्या लगा? मतलब अच्छे से घर दिख नहीं रहा था क्योंकि पूरा डेकोरेशन हुआ था, बट फिर भी मैं ऐसे देख रही थी, पूरा देखने की कोशिश कर रही थी। उसी टाइम का ये कैप्चर हुआ होगा पर मैंने फिर भी अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि उस टाइम तो कोई भी नहीं देखता, बाद में देखता है, एक दिन बाद ही देखा फिर मैंने अच्छे से। फिर यहाँ पर अब जैसे वहाँ पे मेगा लोगों ने गेट में एंट्री करते टाइम रोका था, तो यहाँ पे दीदी लोगों ने भी हमको रोका, फिर हमने पैसे दिए उनको। फिर वो भी दीदी मतलब मान नहीं रहे थे, पर फिर भी हमने जैसे तैसे करके मना के थोड़े बहुत पैसे दे के, थोड़े बहुत भी नहीं दिए थे, ज़्यादा दिए थे। कितने दिए थे? 10,000 साढ़े 11,000 11,000 फिर यहाँ पे हमारा पूजा। और फिर ये जो मैं बात कर रही थी बांध के जो खोलते हैं, नीरज ने खोल दिया था, तो नीरज की खुशी देखो खोलते हुए की। फिर कैमरे वाले ने हमको हमारी फ़ोटो खींची थी और हमको बोला था आप दोनों सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी है, आपको किसी की नज़र ना लगे, तो हमने ऐसे फ़ोटो खिंचाया था। फिर सो ये रिसेप्शन का मम्मी पापा का ड्रेस है। अब मम्मी पापा को तो क्या ही दिखाना, आपको पता ही है मम्मी पापा कैसे दिखते हैं, ड्रेस दिखा देती हूँ। अब इसमें क्या है, मेरे जो मायके वाले हैं वो भी रिसेप्शन में आते, तो उनका स्वागत का भी हो रहा है। मतलब कि ये था उस टाइम जैसे क्या बोलते हैं संधि भेद मतलब संधि जो होते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा इनके मम्मी पापा वो मिलन करते हैं वैसे टाइप का। सो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा की स्वागत हो रहा है, मम्मी का, मेरी बड़ी मम्मी का, सबका स्वागत कर रहे हैं। देखो नमस्कार करते हुए ये मेरे बुआ का सबका, और यहाँ पे वेलकम, यहाँ पे सब, ये ऐसे सीरियस मोड में देखो चारों है ना, हंस भी नहीं रहे यार। होता है ना एकदम से किसी के आते स्माइल करने को रहता है सीरियस। अब ये टिका टुका लगा के फूल देके स्वागत, दोनों पापा ने ट्विनिंग करके ब्लैक ब्लैक पहन रखा है। मेरे भी दो पापा पापा। अब यहाँ पे मम्मी का टीका स्वागत करते हुए, मम्मी पापा और ये मेरे नाना जी ये बुआ का स्वागत, ये मामी मामा बड़े पापा मेरी मम्मी भाभी दीदी जीजू तुनिशा के मम्मी पापा, ये हमारे घर का सबसे शैतान बच्चा ये मेरी नानी, ये सागर, आकाश, वर्षा दी, उनके हस्बैंड। अब ये इनके रिसेप्शन का वेन्यू, ये हमारे रिसेप्शन का, ये भी हमारे एंट्री, ये मेरी सिंगल फोटो, नीरज और मेरी फोटो। आय हाय, ये ब्लैक एंड व्हाइट कहानी सुना रही आप, कहानी सुनाई आप ध्यान से सुन रहे हो। ये सब हमारी फैमिली बैठी है, फैमिली बैठी है सारी। ये है मासी और उनका बेटा, और ये मेरी क्लासमेट की मम्मी आंटी, और ये पूरे फैमिली फोटो, मतलब पूरा फैमिली नहीं है बट ये देहरादून साइड की फैमिली है ना आपकी, ये नीरज के देहरादून साइड के फैमिली की फोटो है। ये हमारी, इसमें मेघा पता नहीं कहाँ घूम रही थी तो मेघा नहीं आ पाई इस फोटो में, पर अलग से होगी वो। ये हमारे दो कपल, मेगा आई थी, कहाँ है वो, कहाँ चली गई थी मेगा पता नहीं, अलीशा लोग के साथ घूम रही थी। ये आकाश ने परफॉर्मेंस दिया था देसी बॉयज वाले, पैसा भी मिला था, सब उड़ाया। ये है जीजा और दीदी, और दीदी है मेरे क्लासमेट और उसकी बहन। अच्छा, ये हमारी फैमिली फोटो, फैमिली फोटो, ये कंप्लीट फैमिली, कंप्लीट। ये भी फैमिली फोटो है, ये भी, ये हमने, ये वाला फोटो जो है ये हमने बड़ा करके बनवाया है, जो कि आपने पहले देख लिया होगा फ्रेम। तो ये पूरी बहने का गैंग है, बहने में मासी और चाचा और उनके बेटा बेटी, मासी मासर है ना, उनकी बेटी दीदी की, मतलब क्लास में, ये दीदी के क्लासमेट है। और ये इनका तो दोनों को जानते होंगे,
हम डांस करते हुए डांस और ये सास बहू डांस करते हुए और ये माँ बेटी डांस करते हुए अब ये हम लोग खाना खाते हुए, क्योंकि खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये दीदी की सोलो फोटो और दीदी और वर्षा दी की बहुत पट्टी हुई पट रही थी एकदम मस्त तरीके से, तो इन लोगों ने अपनी अपनी फोटो क्लिक करवाई है यहाँ पे देखो। ये भी नेक्स्ट भी कपल आ गए हैं यहाँ पर, ये देखिए कपल फोटो, कपल 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 कपल्स की फोटोज। तो गाइस दैट्स इट, यही था हमारी शादी की एल्बम जो कि आप लोग ने बहुत डिमांड किया था। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी एंड ये था नीरज के साइड का एल्बम जो भी था। हमारे साइड का अभी तक आया नहीं है, जब आएगा वो भी दिखाऊंगी। बट आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना एंड आपको हम लोग की कौन सी फोटो अच्छी लगी वो भी बताना एंड हम लोग अपने इधर कौन सी फोटो लगाए, शादी वाला या रिसेप्शन वाला वो भी बताना। सो ये वीडियो एंड करते हैं, मतलब ये वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है बट फिर भी ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।